हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आप लोग को स्वागत है पिंकी समीर ब्लॉग में। तो फ्रेंड, ये हमारा नया चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे नए चैनल को, जितने भी नए लोग हैं। गुड इवनिंग। रुको तो, और आज हम लोग रोटी और सब्जी बनाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग को हम लोग पूरा वीडियो दिखाएंगे खाना बनाते हुए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा पिंकी समीर ब्लॉग को। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं हम लोग अपना प्रोसेस की कैसे कैसे रोटी बनाते हैं, पूरा वीडियो आप लोग को दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड, देख सकते हैं आलू को हम लोगों ने उबाल लिया है और इसे छील रहे हैं। देख रहे हैं आलू इधर छील के इधर साइड पे रखते हुए जा रहे हैं, और इधर साइड पे प्याज रखा हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमने सब्जी काट के भी रख लिया है, और इधर आलू उबाल के छील के हम लोगों ने रख लिया है। इधर साइड पे प्याज है, इधर कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया है। देख सकते हैं कढ़ाई गरम हो चुका है, इस पर हम लोग तेल डाल रहे हैं, जो कड़ुआ का तेल है, इसे डाल के गरम होने देते हैं। देख सकते हैं प्याज को आप बारीक से छोटा छोटा काट रहे हैं, इसको अच्छी तरह से काट के, और इधर सब्जी काट के रख लिए हैं पहले से। अरे, प्याज काटने के बाद प्याज को अच्छे से भूजेंगे। तो फ्रेंड, देख सकते हैं हमारा सब्जी बन के रेडी हो चुका है, पूरी तरह से हमारा सब्जी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग रोटी बनाने का प्रोसेस करेंगे, और रोटी बनाएंगे इसके बाद, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कि हम लोगों ने आटा गूंद लिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है आटा को, और तवे को हमने अच्छे से रख दिया है गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर। अब हम लोग रोटी बनाते हैं। तो फ्रेंड, रोटी बनाने का प्रोसेस चालू हो गया है हम लोग का, आप देख सकते हैं। अब रोटी बना रहे हैं हम लोग।
अब रोटी बनाने के बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लोग को हम लोग दिखाते हैं, तो देख सकते हैं।